आज के वीडियो में हम देखेंगे माँ के पेट में बच्चा कैसे निर्माण होता है। सबसे पहले माँ के पेट में एक ओवरी होती है जो गर्भाशय के पास में ही होती है और वो फैलोपियन ट्यूब से अटैच होती है। वहाँ ओवरी से एक हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, यानी बाहर निकलता है, और ये अंडा वहाँ से निकल के ओवरी की जो फैलोपियन ट्यूब में लेके आती हैं, और इधर से जब मेल पर्सन से आप संबंध बनाते हो तो स्पर्म वेजाइना से यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और जब दोनों स्पर्म और अंडा जब मिलते हैं तब एक क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म बहुत सारे जाते हैं पर उस अंडे के अंदर एक ही स्पर्म अंदर घुस पाता है, एक घुसने के बाद में उसके अंदर दूसरे स्पर्म नहीं जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होती है कि दूसरा स्पर्म फिर नहीं घुस पाएगा। जब ये अंडा और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो एक जायगोट का निर्माण करते हैं, यानी प्री एम्ब्रियोनिक निर्माण होता है। फिर ये जायगोट होता है धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस के अंदर पहुंचता है, यानी ये फर्टिलाइजेशन के पाँचवें छठे दिन यूट्रस के अंदर पहुंचता है, और यूट्रस की जो यानी गर्भाशय की दीवार है उसके अंदर धसना स्टार्ट हो जाता है। उस दीवार के अंदर लगभग ये 10 दिन के अंदर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी दीवार के अंदर वो अच्छे से धस जाता है और वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ से वो एक प्लेसेंटा का निर्माण करता है, जो प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है 11वें 12वें दिन, और 22-23वें दिन से ही एक हार्ट लगभग बन जाता है बच्चे का, और आपको धड़कना भी स्टार्ट हो जाता है। दो ट्यूब का बनता है, फिर लगभग 4 वीक में यानी 1 महीने में वो 4 चैम्बर का हार्ट बन जाता है बच्चे का। सबसे पहले हार्ट बनता है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी बन जाती है और उसका सिर बन जाता है बच्चे का। बेसिक ये बनता है 1 महीने के अंदर। फिर धीरे धीरे और अंग बनने भी स्टार्ट होते हैं, जैसे किडनी बनना, स्टोमक बनना और हाथ पैर का बनना, सब ये स्टार्ट हो जाता है। और लगभग ये 2 से 2.5 महीने के अंदर बच्चे का पूरे ऑर्गन यानी एक एक ऑर्गन बन जाते हैं, कम्प्लीटली बच्चे के ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी बन जाती है 3 महीने के अंदर, और बच्चा यूरिन भी पास आउट करना स्टार्ट कर देता है। लंग्स बन जाते हैं, पर लंग्स एक ऐसे ऑर्गन है जो बच्चे का माँ के पेट में काम नहीं करते, बाकी सारा पेट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हार्ट पंप करता है और माँ के से ब्लड लेके पंप करके बच्चे के पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। तो ऐसे बच्चे का लगभग 3 महीने के अंदर पूरा डेवलप हो जाता है। 3 महीने में बच्चा जो होता है आपको मैं बताना चाहूँगा, 20 ग्राम का होता है। 20 ग्राम का बच्चा 3 महीने में होता है, और वो 3 महीने के बाद में सारे ऑर्गन 20 ग्राम के बच्चे में बन जाते हैं। उसके बाद में सिर्फ बच्चे के ऑर्गन और बच्चे की साइज में डेवलपमेंट होता है, और जब वो 20 वीक का होता है, जब लगभग वो 500 ग्राम का होता है, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर 28 वीक 8वें 9वें महीने में सबसे ज़्यादा बच्चा ग्रोथ करता है, यानी अपनी वेट बढ़ाता है बच्चा। हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप्स देता रहता हूँ, तो साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।